मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्ला ने इसराइल के पश्चिमी गलील इलाके में बड़ा रॉकेट अटैक किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इसराइल और हिजबुल्ला के बीच तनाव बढ़ गया है। हिजबुल्ला ने इसराइल पर 60 रॉकेट दागे हैं। उधर दक्षिण लेबनान में इसराइल ने हवाई हमला किया है, इसमें हिजबुल्ला का क्षेत्रीय हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। इस बीच कुछ एयरलाइंस ने तेल अवीव और बेरूत जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। साथ ही कुछ देशों ने लेबनान जाने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी करते हुए एहतियात बरतने की सलाह दी है। यानी मिडिल ईस्ट में अब लगातार हालात बदलते जा रहे हैं। हानिया की मौत के बाद जहां एक ओर हिजबुल्ला की ओर से इसराइल पर हमले तेज किए गए, तो वहीं ईरान की ओर से भी सीधी चुनौती इसराइल को दी गई। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इसराइल और हिजबुल्ला के बीच तनाव बढ़ गया है। हिजबुल्ला ने इसराइल पर 60 रॉकेट दागे हैं। उधर दक्षिण लेबनान में इसराइल ने हवाई हमला किया है, इसमें हिजबुल्ला का क्षेत्रीय हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। इस बीच कुछ एयरलाइंस ने तेल अवीव और बेरूत जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। साथ ही कुछ देशों ने लेबनान जाने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी करते हुए एहतियात बरतने की सलाह दी है। यानी मिडिल ईस्ट में अब लगातार हालात बदलते जा रहे हैं। हानिया की मौत के बाद जहां एक ओर हिजबुल्ला की ओर से इसराइल पर हमले तेज किए गए, तो वहीं ईरान की ओर से भी सीधी चुनौती इसराइल को दी गई। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इसराइल और हिजबुल्ला के बीच तनाव बढ़ गया है। हिजबुल्ला ने इसराइल पर 60 रॉकेट दागे हैं। उधर दक्षिण लेबनान में इसराइल ने हवाई हमला किया है, इसमें हिजबुल्ला का क्षेत्रीय हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। इस बीच कुछ एयरलाइंस ने तेल अवीव और बेरूत जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। साथ ही कुछ देशों ने लेबनान जाने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी करते हुए एहतियात बरतने की सलाह दी है। यानी मिडिल ईस्ट में अब लगातार हालात बदलते जा रहे हैं। हानिया की मौत के बाद जहां एक ओर हिजबुल्ला की ओर से इसराइल पर हमले तेज किए गए, तो वहीं ईरान की ओर से भी सीधी चुनौती इसराइल को दी गई। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इसराइल और हिजबुल्ला के बीच तनाव बढ़ गया है। हिजबुल्ला ने इसराइल पर 60 रॉकेट दागे हैं। उधर दक्षिण लेबनान में इसराइल ने हवाई हमला किया है, इसमें हिजबुल्ला का क्षेत्रीय हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। इस बीच कुछ एयरलाइंस ने तेल अवीव और बेरूत जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। साथ ही कुछ देशों ने लेबनान जाने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी करते हुए एहतियात बरतने की सलाह दी है। यानी मिडिल ईस्ट में अब लगातार हालात बदलते जा रहे हैं। हानिया की मौत के बाद जहां एक ओर हिजबुल्ला की ओर से इसराइल पर हमले तेज किए गए, तो वहीं ईरान की ओर से भी सीधी चुनौती इसराइल को दी गई। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इसराइल और हिजबुल्ला के बीच तनाव बढ़ गया है। हिजबुल्ला ने इसराइल पर 60 रॉकेट दागे हैं। उधर दक्षिण लेबनान में इसराइल ने हवाई हमला किया है, इसमें हिजबुल्ला का क्षेत्रीय हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। इस बीच कुछ एयरलाइंस ने तेल अवीव और बेरूत जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। साथ ही कुछ देशों ने लेबनान जाने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी करते हुए एहतियात बरतने की सलाह दी है। यानी मिडिल ईस्ट में अब लगातार हालात बदलते जा रहे हैं। हानिया की मौत के बाद जहां एक ओर हिजबुल्ला की ओर से इसराइल पर हमले तेज किए गए, तो वहीं ईरान की ओर से भी सीधी चुनौती इसराइल को दी गई।